पलामू के नावा बाजार में पदस्थापित थानेदार लालजी यादव के मौत के बाद से ही हंगामा बरपा हुआ है। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि परिजनों का कहना है कि लालजी यादव की हत्या हुई है। अब इस मामले को लेकर राजनीतिक दल भी आमने सामने हैं। परिजनों के साथ स्थानीय लोगों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच मृतक लालजी यादव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव साहिबगंज में कर दिया गया है, लेकिन आंदोलन की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी है। थाना प्रभारी के आत्महत्या मामले में CBI जांच कराने की मांग अभी भी पुरजोर तरीके से लोग और संस्थाएं उठा रहे हैं। इस मामले को लेकर भाजपा, जो कि मुख्य विपक्षी दल है झारखंड में, वह सबसे ज्यादा मुखर है। सतबरवा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया और CBI जांच की मांग की। कैंडल मार्च में शामिल लोग मेलाटांड काली मंदिर से निकलकर सतबरवा बाजार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुनः मेलाटांड पहुंचे, जहां सभी लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान भाजपाइयों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इधर इसी मामले को लेकर मनिका में भी भाजपा ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रखंड मुख्यालय मनिका में भाजपाइयों ने मंडल अध्यक्ष अजीत कुमार के नेतृत्व में मनिका उच्च विद्यालय मैदान से पचफेड़ी चौक तक मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया और थानेदार लालजी यादव के मौत मामले की जाँच CBI से कराने की। मौके पर भाजपा कार्यकर्ता सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। न कानून से सरकार चल रही है, न नियम से चल रही है। अगर हम ये कहें कि हाँ, जिनके ऊपर कानून के रक्षा का जिम्मेवारी है, अगर वही आत्महत्या करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारा झारखंड प्रदेश कहाँ खड़ा है और किस नियम आधार पर चल रहा है। तो निश्चित तौर पर आज लालजी यादव जो हमारे यहाँ नवा थाना में दरोगा थे, उनका जो आत्महत्या का स्वरूप दिया गया है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाला समय में ऐसे होनहार बेटा इस तरह से आत्महत्या करने का कोशिश नहीं करे। और तो और मैं कहना चाहता हूँ कि इस घटना की CBI जांच होनी चाहिए और जब तक CBI जांच नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा और ऐसे होनहार का बेटा का जो गम है वो हम सबसे दूर नहीं हो सकता है।